हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ये स्कूल. दिस साइड ममता पांडे, योर बायोलॉजी एजुकेटर. इन द फर्स्ट वीडियो एस वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. नाउ टुडे वी विल बी कवरिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, विच इज द लिविंग वर्ल्ड. दिस इज पार्ट वन ऑफ दैट. सून वी विल हैव पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. This is all from my side. So now let's begin the chapter. So the topics that we will be covering today are features present in an organism. Second is defining features. Third is non-defining feature. And the last topic for today will be growth. So let's get started. This is some points from NCERT that we will be covering. So let's have a pen and let's read whatever is written in this. Or I want you all to have your NCERTs with you. Now we will have draw option, then we will have a marker. See, now I'll mark the important points. कि जो जो important है ना, मैं सिर्फ वही mark करूंगी. तो आपको mostly वही अपनी NCERT में भी mark करना है. तो फर्स्ट लाइन है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट देर आर फीचर्स. कुछ होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, कुछ होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर. डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर के डिफाइन आगे हैं, तो मैं आपको आगे समझाऊंगी. सो अभी हम यही पढ़ते हैं. सो पहला है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम्स टू अवर माइंड. ये सारे फीचर्स है जो हम हमारे सामने आते हैं जब हम किसी भी, मतलब अब देखो, आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि एक ऑर्गेनिज्म दे दिया और आपको बताना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप कैसे बताओगे? कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे अगर वो मूव कर रहा है तो वो लिविंग है, या फिर मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वाइली लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स. कुछ और फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट. अब हम ट्राई करते हैं ये देखने के लिए कि क्या चीज लिविंग है और क्या चीज नॉन लिविंग है. तब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पजेस करता है. तो पहले होता है डिफाइनिंग फीचर, दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर डिफाइनिंग फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं या वो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या वो फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और उनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा. वाइल नॉन डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है. जैसे आप पढ़ोगे ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है. वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है. और रिप्रोडक्शन का भी कुछ एक्सेप्शन है. सिमिलरली मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस ऐसे फीचर्स है जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने के लिए मिलेंगे. तो लेट्स कम टू द फर्स्ट फीचर विच इज ग्रोथ. सो वॉट एक्चुअली इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि जो इंक्रीज इन मास, किसी भी चीज के मास में बढ़ना या किसी भी चीज का नंबर में बढ़ना, ये क्या होता है? दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ट्विन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? सेम फीचर है. किस चीज के? ग्रोथ के. सो ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज से होती है, दैट इज सेल डिविजन. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वाइल वो प्लांट्स हो, या फिर आपका देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब में ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है? सेल डिविजन के थ्रू. किसके थ्रू हो रही है? सेल डिविजन के थ्रू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, लाइक ह्यूमन बींग्स ले लो, एनिमल्स ले लो, इन सब में क्या होता है? सेल का डिविजन होता है. पर ऐसा होता है कि सेल क्या है, डिवाइड तो करती रहती है जो भी मतलब लॉस सेल्स है उनको रिपेयर करने के लिए, बट ये क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमें इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ में कि किन किन टाइप की ग्रोथ होती है. अब देखो प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है. एवरी मतलब कोई भी चीज हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शोज ग्रोथ. हर किसी में ग्रोथ होती है. एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, यूनिसेल्यूलर एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है. इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर सेम. देखो यही ग्रोथ भी है और यही रिप्रोडक्शन भी है, यही आपको फर्स्ट लाइन उसमें बोली हुई है. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग इवेंट्स है. किसमें? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में. अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ, चार तरह की ग्रोथ हम पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक,
इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड या डिटर्मिनेट और लिमिटेड ग्रोथ। चार तरह की ग्रोथ हमने पढ़ी, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ विच इज इंट्रेंसिक ग्रोथ। की इंट्रेंसिक ग्रोथ क्या होता है? जब भी किसी भी चीज के अंदर से ग्रोथ होगी, दैट इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंट्रेंसिक ग्रोथ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब भी अंदर से ग्रोथ होती है तो उस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक ग्रोथ। जैसे आप देख सकते हो कि ये बेबी पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा, फिर बड़ा, तो मतलब हमारे अंदर से ग्रोथ हो रही है ना, बाहर से थोड़ी ग्रोथ हो रही है, अंदर से ग्रोथ हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सो दिस इज लाइक क्यूट क्यूट सी बेबी गर्ल्स, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से हो, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस से हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। और जो हमारी ग्रोथ है ना वो इरिवर्सिबल है, मतलब इंट्रेंसिक ग्रोथ क्या है? हमारी इरिवर्सिबल ग्रोथ है, व्हाइल एक्सट्रेंसिक ग्रोथ इज रिवर्सिबल। आप पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर सकते हो ना, that is irreversible growth। तो देखो extrinsic growth, growth from outside or by accumulation of any substance on any substance, like growth from outside or by accumulation, क्या accumulation of any substance on any surface, किसी भी substance के ऊपर कोई भी substance अगर हम रख दे तो उससे क्या होगा? accumulation। जैसे हम देखें कि ये पत्थर है, देखो आपको example में दिया हुआ है कि ये बहुत सारे stones हैं, इन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा rock बनाया और बहुत बड़े बड़े रॉक्स ने मिलके क्या बना दिया? एक बहुत बड़ा माउंटेन बना दिया। तो सो दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो हमारे कौन शो करते हैं? माउंटेन, सैंड मोल्स और बोल्डर्स शो करते हैं। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट अनलिमिटेड ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हो डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ वो होती है जो की थ्रू आउट लाइफ स्पेन होती रहती है। तो ग्रोथ विच अकर थ्रू आउट लाइफ स्पेन इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि हमारी प्लांट्स में देखने को मिलती है। वेल डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो एक अप टू अ सर्टेन एज होती है, मतलब कि एक एज पे होगी फिर उसके बाद नहीं होगी ग्रोथ। भले से कि सेल डिविजन होता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर जो लॉस्ट सेल्स है उनको रिपेयर करने के लिए, पर ग्रोथ नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। ग्रोथ विच अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ। और ऐसी ग्रोथ जो अकर होती है ओनली अप टू अ सर्टेन एज, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट एज, सॉरी ग्रोथ। ये एनिमल्स में देखने को मिलती है। वही पॉइंट लिखा है, हाउएवर सेल डिविजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, ग्रोथ इज कंसिडर्ड टू बी नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों है नॉन डिफाइनिंग फीचर? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये किसमें हो रही है? लिविंग और नॉन लिविंग में, दोनों में हो रही है। अगर ग्रोथ अंदर से होती है तो हम कौन सा फीचर बोलेंगे उसको? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर ग्रोथ इनसाइड से हो रही है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब इसी का ही हम एनसीईआरटी वाला पेज पढ़ लेते हैं, विच इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू नीड टू रिमेंबर दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन, में प्लांट में भी सेल डिवीजन में कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पेन विच इज अनलिमिटेड ग्रोथ। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स, वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। No non-living object also grow if we take increase in body mass as criterion for growth. यही है इसी वजह से क्या है, हम जो ग्रोथ को लिखते हैं वो एज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर लेते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी तो ग्रोथ हो रही है, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड साउंड मोल्स, सैंड मोल्स टू ग्रो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंडीशन स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मतलब इंट्रेंसिक ग्रोथ की अगर कंडीशन होगी तो ही वो क्या होगी? हमारी डिफाइनिंग फीचर होगी। एज डेड ऑर्गेनिज्म, फिर ये लिखा है कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, एज डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। सो नाउ लेट्स बिगिन
अब जो लास्ट मतलब ये लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज दैट हैव नो एक्सेप्शन, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता आर कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर, और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका एक्सेप्शन होता है आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग फीचर। और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, की मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, अलग अलग इवेंट्स है किसमें, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, इंट्रेंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ जो अंदर से होगी वही डिफाइनिंग होगी, इंट्रेंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, वाइल एक्सट्रेंसिक ग्रोथ और इंट्रेंसिक ग्रोथ जब दोनों आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगी। और इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये तो आपको डाई हार्ट याद होनी चाहिए, अगर आपको याद नहीं होंगी ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, इफ यू लव दिस सेशन then do visit again.